हेलो वेलकम। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी ऑनियन पोटैटो। तो जिसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है वो हम पहले ले लेंगे। पहले ऑयल लेना है आपको, एक कढ़ाई में ऑयल ले लें फ्राइंग के लिए। और ये जो पोटैटो है उसको छील के हमने, आप देख रहे हैं कितनी पतली पतली, आप चाहे तो ग्रेट कर सकते हैं अगर आपके पास है ग्रेटर, नहीं तो पतली पतली आप इस तरह से पोटैटो कट कर सकते हैं, लंबी और पतली तो कट कर ले। ऑनियन भी हमने पतली पतली लंबी लंबी कट की है। तो पहले पोटैटो हम फ्राई कर लेंगे क्रिस्पी, जैसे हम हमारी क्रिप्स, पोटैटो क्रिप्स फ्राई करते हैं उस तरह से, वैसे क्रिस्पी पोटैटो फ्राई करके हम एक बाउल में रख लेंगे अलग अलग से। एक पैन में हमको थोड़ा सा बटर लेना है, उसके अंदर हम ऑनियन डालेंगे और फिर उसका सौते करेंगे उसको थोड़ी देर। तो ये क्रिस्पी ऑनियन पोटैटो के लिए, ये पहले पोटैटो आप कर लें, ऑनियन कट कर लें। और इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स स्वाद अनुसार, नमक चाहिए हमको, फ्रेश चॉप्ड किया हुआ धनिया चाहिए, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी शुगर और ब्लैक पेपर, बारीक क्रश किया हुआ नहीं, थोड़ा सा हाफ क्रश हो इस तरह से हमको वो ब्लैक पेपर चाहिए, बटर। तो अब हम उसको कैसे बनाएंगे वो दिखाएंगे। तो एक कढ़ाई में हमने तेल ले लिया है, वो जैसे गर्म होता है उसके अंदर ये हम पोटैटो चिप्स जो है वो हम थोड़ी थोड़ी ऐसे ऐसे करके डालेंगे, क्योंकि वो अलग से थोड़ा सा चिपक न जाए और ऑयल आप ध्यान रखें ऊपर से नहीं आ जाए एकदम, इसलिए हम थोड़ी सी पहले डालेंगे, उसके बाद थोड़ी डालेंगे। और इस तरह से निकाल के एक बाउल में अलग से रख लें। पीछे हमने एक पैन लिया है, उसके अंदर हम थोड़ा सा ऑन करके थोड़ा सा बटर डालेंगे। ये एक पैन में हमने थोड़ा सा बटर ले लिया है, उसके अंदर हम ये ऑनियन जो पतली पतली हमने कट की थी वो हम डालेंगे और इसको सौते करेंगे। और ये पोटैटो चिप्स आप देख रहे हैं कैसे क्रिस्पी हमने निकाल ली है, तो उस तरह से आप इसको मिक्स करें। अगर आप बटर ज़्यादा लगता है आपको खाने में और बटर आप नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं, एक टेबल स्पून जितना, वो डाल के आप ऑनियन पका सकते हैं। क्योंकि कई लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं तो ज़्यादा ऑयली और ज़्यादा बटर ही नहीं खाते हैं, तो उनके लिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ करें। तो ये थोड़ा सा हमने मिक्स कर लिया है ऑनियन को, और ये आप देख रहे हैं पोटैटो हमने कैसे क्रिस्पी निकाले हैं, उस तरह से आप क्रिस्पी निकाल लें। ऑनियन थोड़ी सी वो, उसके अंदर हम थोड़ी सी शुगर डालेंगे, थोड़ी सी शुगर और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे थोड़ा सा, पेस्ट ऑफ नमक, और सौते करेंगे। फिर इसको शुगर हमने इसलिए डाली है अंदर कि वो नाइस कैरेमल हो अंदर और फ्लेवर उसकी नाइस आए ऑनियन के अंदर, थोड़ा सा कैरेमल जैसा टेस्ट आए ऑनियन में, तो खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है। थोड़ा सा नमक डालें और फिर उसको अच्छी तरह से मिलाएं। और ये जो पोटैटो हमने क्रिस्प कर फ्राई करके रखे थे उसके अंदर हम थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा नमक उसके अंदर, पोटैटो के हिसाब से आप नमक थोड़ा सा डालें और इसी तरह से उसको मिक्स करें इस तरह से। देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया टेस्ट और फ्लेवर, तो थोड़ी देर इसको हिलाएं। तो ये ऑनियन आपकी हो गई है, तो उसके अंदर थोड़ी सी आप हल्दी पाउडर डालें और उसको मिक्स करें और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, वहाँ अंदर अच्छी तरह
से मिक्स करेंगे तो ये खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है, टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया लगता है। कभी भी आपको ऐसे बैठे हैं और खाने का कुछ चटपटा मन करे तो आप ये बहुत ही इजी है बनाने के लिए, तो आप बना के देख सकते हैं, बच्चों को भी बहुत ही पसंद आता है। तो ये थोड़ा सा मिक्स करें और फिर उसके अंदर ये जो पोटैटो हमने रेड चिली पाउडर और नमक डाल के मिक्स किया था वो पोटैटो हम अंदर छोड़ देंगे और उसको हम अच्छी तरह से ऊपर नीचे करके मिक्स कर लेंगे। उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लो और फिर उसको बॉल में निकाल के आप सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उसको मिक्स करें और फिर गैस बंद करके उसको सर्व कीजिए गर्मा गर्म। तो आप इसके अंदर चॉप्ड धनिया डाल के हल्के हाथों से मिक्स कीजिए और मिक्स करने के बाद गर्मा गर्म डिश में निकाल के इसको सर्व कीजिए। ये बहुत ही बढ़िया डिश लगती है, तो आप ज़रूर ये क्रिस्पी ऑनियन पोटैटो बनाएं और खाएं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो आप देख रहे हैं ये वेरी क्रिस्पी सब ऑनियन एंड पोटैटो एंड ऊपर से थोड़ा सा धनिया डाल के हमने सर्व किया है, तो बहुत ही टेस्ट बढ़िया आता है उसका। तो ज़रूर ये डिश बनाइए। थैंक यू वेरी मच।